बताया जाता है कि फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी है। फिनलैंड में बच्चे 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 7वें साल में जाकर स्कूल में दाखिल होते हैं। आज हम आपको छोटे से देश फिनलैंड के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। फिनलैंड की जनसंख्या लगभग 55 लाख है। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 18 आदमी रहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन में सबसे कम है। मध्य युग से 1809 तक फिनलैंड स्वीडन देश का भाग था। फिनलैंड में सूरज 23 घंटे उगता है और कुछ जगह ऐसी भी है जहां 51 दिन तक रात होती है। फिनलैंड यूं तो कई मामले में खास है, लेकिन दिलचस्प है कि वहां ट्रैफिक चालान लोगों की तनख्वाह के हिसाब से काटे जाते हैं। हालांकि इस कानून ने पुलिस वालों को खूब तंग किया, क्योंकि लोग अपनी कमाई हमेशा कम बताया करते थे। यूके, स्वीडन तथा फिनलैंड के पासपोर्ट आपको बिना वीजा के अधिकतर देशों में घूमने का अवसर देते हैं किसी और देश की पासपोर्ट की तुलना में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपना मोबाइल फोन फेंकना फिनलैंड का आधिकारिक खेल है। आप फिनलैंड में बिल्लियों के नाखून नहीं काट सकते। यहाँ बीवियों को उठाने की एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता होती है, जिसके विजेता को उसकी बीवी के वजन के बराबर बियर दी जाती है। स्वीडन और फिनलैंड की सीमा पर एक गोल्फ क्लब है, जिसके आधे होल्स एक देश में है तथा आधे दूसरे देश में। फिनलैंड में हर 10 प्लास्टिक बोतल में से 9 रिसाइकल कर ली जाती है, जबकि 100% शीशे की बोतल से रिसाइकल की जाती है। फिनलैंड वालों ने ही दुनिया को पहला इंटरनेट ब्राउजर दिया। फिनलैंड में लगभग 1,87,888 झीलें हैं, जिसके कारण इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड वासी कॉफी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वे एक दिन में 3 से 4 कॉफी पी जाते हैं, जो उनकी लाइफ पर सकारात्मक असर डालता है। फिनलैंड के देवदार पेड़ों की जड़ों की कुल लंबाई 30 मील से भी ज्यादा होती है। फिनलैंड में गाड़ी चलाते समय आपको हमेशा अपनी हेडलाइट ऑन रखनी होती है। यदि आप फिनलैंड से उत्तर कोरिया पैदल जाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक देश पार करना पड़ेगा और वो है रूस। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन